मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो जो कि लेसन 6 पढ़ना है आपको क्लास 8 में, द विट इंटेंशन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग, मैंने बताया था आपको रीड करने के लिए, इसमें आपको पढ़ना है। सबसे पहले हमें अबाउट द लेसन देखना होता है जो येलो बॉक्स में। यस, आप यहाँ देख सकते हैं अबाउट द लेसन। करेज इज नीडेड टू कन्फ्रंट अ पावरफुल मैन और रूलर हु परपिट्रेट्स एट्रोसिटीज ऑन द पुअर एंड हेल्पलेस, बट दोज हु डेयर आर लाइक बाय पीपल। यानी हिम्मत की जरूरत होती है। यस, यू कैन से सी हियर क्या जरूरत होती है, हिम्मत की जरूरत होती है। व्हेन करेज इज नीडेड फॉर टू कन्फ्रंट अ पावरफुल मैन, यानी किसी भी पावरफुल इंसान को कन्फ्रंट करने के लिए, सामना करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है, तो हमें हिम्मत की जरूरत होती है। ठीक है, वो परपिट्रेट्स एट्रोसिटीज, जो लोगों पे जुल्म करता है, अत्याचारी करता है, ऑन द पुअर, गरीबों पे, एंड द हेल्पलेस, और जो असहाय होते हैं उन पे, बट दोज हु डेयर आर लाइक वेल, लेकिन जो उनका सामना करते हैं, कन्फ्रंट करते हैं, वो उनको लोग पसंद जरूर करते हैं। शुरू करते हैं। उमर वॉज अ काइंड हार्टेड सोशल रिफॉर्मर हु ऑफन सेक्रीफाइज हिज ओन कम्फर्ट फॉर द सेक ऑफ द सफरिंग मासेस। उमर एक ऐसा दयालु व्यक्ति है, ऐसा दयालु व्यक्ति है, यू कैन सी हियर। उमर एक ऐसा दयालु व्यक्ति है, काइंड हार्टेड सोशल रिफॉर्मर, हु ऑफन सेक्रीफाइज हिज ओन कम्फर्ट, जो अपना जो है सुख सुविधा को बलिदान दे के, सेक्रीफाइस करके, कुर्बान करके, हिज ओन कम्फर्ट फॉर द सेक ऑफ द सफरिंग मासेस, जो लोग जो सफर कर रहे हैं, जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग जो है किसी चीज में ग्रस्त हैं, उनके लिए ये खुद क्या करता है, उमर उमर जो है क्या करते हैं कि आप अपनी वो बर्दाश्त करते हैं, अपनी तकलीफों को बर्दाश्त करते हैं। ठीक है, ही सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द कॉमन पीपल, वो किसी आम जो है जनता की, आम लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, एंड हेल्प देम विथ हिज करेज एंड विट, और लोगों की मदद जो है अपने हिम्मत और अपने चालाकी से जो है करते हैं। ठीक है, ही लिव्ड इन बुखारा, वो बुखारा में रहते हैं। बुखारा इज अ प्लेस, अ लैंड रूल्ड बाय अ क्रूअल एंड रथलेस अमीर। जिस लैंड पे, जिस बुखारे पे किसी ऐसे लोगों की हुकूमत है, ऐसे लोग हुकूमत करते हैं, ऐसे लोग जो है उनमें देखते हैं, जैसे जो लोग क्या है, जो रथलेस अमीर है। रथलेस का मीनिंग जैसे मैंने आपको लिखाया था, हैविंग और शोइंग नो पिटी, जो लोगों के ऊपर दयालु बिल्कुल नहीं बरतते, वो बिल्कुल कंपैशन नहीं होते किसी के लिए, निर्दयी होते हैं। रथलेस मीन्स क्रूअल का मतलब भी वही होता है, और निर्दयी रथलेस का मतलब भी वही होता है। ठीक है ना, तो मैंने ये लेसन आपको ऑलरेडी पढ़ाया है। विक्ड इंटेंशन, विक्ड का मैंने मतलब भी बताया था। विक्ड मीनिंग जो होता है, क्या होता है विक्ड मीनिंग, इंटेंशन यानी इरादा, विक मतलब शैतान वाला इरादा, शैतानी दिमाग, जो गलत दिमाग होता है, वो बुरा होता है, नटखट, ये सब इसके मीनिंग्स हैं। ठीक है ना, तो सिंस उमर वाज अगेंस्ट द अमीर्स एट्रोसिटीज, विक का मतलब पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे, अपने खुद से इसको नोट डाउन जरूर करके रखें। विक का मतलब यहाँ पे आप लिख लें, विक का मतलब बुरा, मीन्स यहाँ पे आप लोग इसको बुरा नोट कर सकते हैं, तो विक इंटेंशन का मतलब क्या होता है, विक इंटेंशन यानी बुरा सोच, बुरा इरादा, जिसमें किसी का भला ना हो, ऐसा इरादा, ऐसे इरादे के साथ एक ऐसे काम का देखा जाए। तो मैंने यहाँ तक बताया, सिंस उमर जो है अमीर के एट्रोसिटीज के खिलाफ था, वो उनके बिल्कुल विपरीत था। ही हैड अट्रैक्टेड द अमीर्स आयर, तो वो इस वजह से अमीर के, यानी जो अमीर, जो उसमें हुकूमत, अमीर यहाँ पे कहा गया है कि जो हुकूमत है, तो अमीर के बिल्कुल आंखों में था वो, मतलब
उनसे उछल नहीं था, उनके नजर में बना था। अमीर हैड ऑर्डर्ड हिज ऑफिशियल्स, अमीर ने जो वहां का गवर्नमेंट था उसने जो है, जो वहां का राजा था उसने क्या किया कि अपने ऑफिशियल्स को, अधिकारियों को उमर को अरेस्ट करने के लिए ऑर्डर दिया। उमर यानी कौन? हाँ, उमर यानी उमर जो जो यहाँ जो जो आदमी, जो सोशल रिफॉर्मर, जो समाज सुधारक है। अमीर हैड ऑर्डर्ड हिज ऑफिशियल्स टू अरेस्ट उमर। दिस वॉज द रीजन दैट उमर हैड टू हाइड हिमसेल्फ। इस वजह से उमर को अपने आप को क्या करना पड़ा, हाइड करना पड़ा, अपने आप को छुपाना पड़ा। इस कारण अमीर को अपने आप को क्या करना पड़ा, हाइड करना पड़ा, छुपाना पड़ा। आप देख सकते हैं, ही ऑफन चेंज हिज क्लोथ्स, वो हमेशा अपने कपड़े बदल लेते सो एज टू इवेड द पीपल, ताकि पुलिस के आंखों में धूल झोंक सके, वो ना समझ में आ सके, पकड़ा ना सके, भाग सके, बच सके। इवेड मीन्स बचना होता है। स्टिल ही केयर लिटिल फॉर हिज ओन सेफ्टी, फिर भी वो अपने अपने सुरक्षा की वो खास ध्यान देते हैं। व्हेन इट केम टू हेल्पिंग द पीपल, यानी लोग की मदद करने के समय आपा नहीं खो देते, बल्कि ये भी ध्यान रखते कि नहीं मेरी भी सुरक्षा होती रहे। वन डे उमर पास बाय ए डस्टी स्ट्रीट, एक दिन उमर जो है बिल्कुल एक गंदी गली से उनका गुजरना हुआ। देयर ही सॉ अ ब्यूटिफुल यंग गर्ल, वहां पे इनको बहुत ही खूबसूरत एक लड़की दिखी। एंड ओल्ड मैन सिटिंग अंडर अ ट्री एंड सॉबिंग, एक जो है बिल्कुल बुरा बूढ़ा व्यक्ति, वो क्या क्या कर रहा था कि पेड़ के नीचे बैठ के रो रहा था, सॉब कर रहा था, सिसक रहा था। ही एस्क्ड देम व्हाट देयर एगोनी वाज, उन्होंने पूछा कि आखिर तुम्हारा मसला क्या है, क्या प्रॉब्लम है, किस लिए रो रहे हो। ठीक है ना, यहाँ एगोनी मीन्स नीचे वर्ड मीनिंग लिखा है, यानी क्या दिक्कत है, यंत्रणा क्या है, परेशानी क्या, यंत्रणा होता है हिंदी में। ठीक है ना, पेन, क्या क्या तकलीफ है, पेन भी आप कह सकते हैं। द ओल्ड मैन नैरेटेड हिज टेल ऑफ वूज, अपनी परेशानियों को उसने बताया, अपनी छोटी सी कहानी बताई। आई एम नयाज द पॉटर एंड शी इज माई डॉटर, मैं नयाज हूँ, मैं एक कुम्हार हूँ, ठीक है ना, और ये मेरी बेटी गुलजार है। मेरे पास आई ओ अ सम ऑफ 400 टाका सिल्वर कॉइन्स टू द लेंडर जफर, मैं एक कर्जदार से कर्जा लिया, कितना, 400 रुपये कर्जा लिया, ओ मतलब लेना। आई एम टू पुअर टू रिपे, लेकिन मैं अब इसको दे नहीं सकता, मैं बिल्कुल गरीब हूँ, मैं उसको चुका नहीं सकता। द अमीर हैज डिसाइडेड दैट अनलेस वी रिपे द अमाउंट इन 2 आवर्स, अमीर ने ये फैसला किया कि या तो मैं 2 घंटे में, हम लोग 2 घंटे में वो पैसे या तो जमा करें। जफर विल हैव द लिबर्टी टू डू एनीथिंग टू अस, नहीं तो क्या करेगा, जफर हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। ऐसा अमीर ने, ऐसा जो है उस कंट्री के राजा ने ऐसा फैसला किया। एंड ही हैज मेड हिज इंटेंशन वेरी क्लियर, उसने अपना इरादा तो बना लिया। ही वॉन्ट्स माई यंग डॉटर एज हिज वाइफ, वो मेरे बेटी से आपको पत्नी बनाना चाहता है, यानी उससे शादी करना चाहता है। तो उमर हैड नो मनी विद हिम, उमर के पास तो पैसे थे नहीं। ही न्यू दैट जफर हैज द लैंडर वॉज अ क्रूअल एंड अनकाइंड मैन, वो ये भी जानता था, उमर जो इस मदद कर रहा है, सोशल रिफॉर्मर है, वो ये भी जानते हैं कि जो है जफर जो है बहुत ही क्रूअल, निर्दयी और अनकाइंड मैन है। हाउ कुड ही अरेंज फॉर सच अ लार्ज सम, आखिर ये इतने पैसे कैसे जमा कर लेंगे, कहाँ से लेके आएंगे। उमर अश्योर्ड देम दैट ही वुड अरेंज द मनी समहाउ विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, तो जो समय दिया गया है, जो गिवन टाइम है, उमर ये विश्वास दिलाया कि नहीं मैं कहीं ना कहीं से जरूर अरेंज कर लूंगा। ही आस्क्ड देम टू वेट देयर इटसेल्फ, उन्होंने कहा कि आप थोड़ी देर यहाँ पे इंतजार कीजिए। किसको, उन पुअर आदमी को, नाम क्या था, नयाज, और उनकी बेटी का नाम यहाँ गुलजार बताया गया, ठीक है ना, और लेंडर कौन है, तो जफर, जफर ने पैसा दिया। उमर सोशल रिफॉर्मर है, बात सुन, ये कैरेक्टर्स का नाम पता होना चाहिए। तो राइडिंग हिज डंकी एंड थिंकिंग हाउ वी कुड हेल्प द ओल्ड मैन एंड हिज डॉटर, उमर अराइव्ड एट द टी शॉप व्हिच ही यूज्ड टू विजिट, तो अपने खच्चर पे चढ़ के, अपने गधे पे चढ़ के उमर जो है वो बाजार जाने लगे, उस चाय की दुकान पे जाने लगे जहाँ पे वो यूजुअली विजिट किया करते थे चाय पीने के लिए, और ये बात सोचने लगे कि कैसे उस गरीब आदमी और उनकी बेटी की मदद करे। ही वॉज पॉपुलर अमंग द पुअर
masses and was liked by them. वो लोगों के बीच बिल्कुल आम थे, वो लोग इनको पसंद करते थे. He seldom divulged his identity because he could be arrested. वो कभी-कभी ही अपने आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को डिवल्ज करते, रिवील करते, बताते. डिवल्ज का मतलब बताना, जाहिर करना, ठीक है ना, दिखाना. But today he needed the money urgently. लेकिन आज उनको चूंकि पैसे की जरूरत है, so he told the customers there who he was. वहां पे उन्होंने और कस्टमर्स को ये रिवील कर दिया, डिवल्ज किया, ये बता दिया कि वो कौन थे. सून द वर्ड स्प्रेड एंड विद इन मिनट्स अ लार्ज क्राउड गैदर्ड देयर. फिर ये बात जो है बिल्कुल फैल गई और कुछ ही मिनट में वहां पे भीड़ इकट्ठा हो गई. ही एड्रेस्ड देम, ओ रेस्पेक्टेड सिटीजंस ऑफ बुखारा, आई नीड 400 टाकास टू हेल्प अ वेरी नीडी पर्सन. ए बुखारा के लोगों, मुझे सिर्फ 400 टाका, 400 पैसे, यानी वहां की जो करेंसी थी सिल्वर कॉइन्स, वो 400 ऐसी चाहिए. यानी आप उसको सिल्वर कॉइन्स को आप कह सकते हैं अशरफिया, अशरफी उसका नाम होता है. तो 400 अशरफी चाहिए मुझे, एक लोग, एक जरूरतमंद की, नीडी पर्सन की मदद करनी है. एंड दिस इज वेरी अर्जेंट, और ये बहुत ज्यादा अर्जेंट है. Yes, give me the money as a loan, which I shall repay later. तो ऐसा करो कि तुम मेरे को कुछ पैसा दे दो जो मैं फिर बाद में दे दूंगा. However, the tax ridden people had no money with them. तो जो tax ridden people है, जो दे पैसा देता था, वो उसके पास तो पैसा था नहीं. तो a water carrier came forward and said, all our earnings are extorted by the Amir. इन द नेम ऑफ टैक्सेस. तो ये बताया, एक वाटर कैरियर है यानी जो पानी ढोने वाला व्यक्ति है, वो सामने आता है और कहता है कि हमारे सारी कमाइयां तो अमीर ने ले ली है, एक्सटॉर्टेड यानी लूट ली है कहीं ना कहीं से, किस चीज के नाम पे, डरा के, धमका के, टैक्सेस के नाम पे हमारी सारी कमाइयां अमीर ने तो ले ली है. आई कैन कंट्रीब्यूट दिस स्कार्फ ऑफ माइन इफ इट कैन हेल्प यू. मैं ये स्कार्फ में जो सर पे लगाया हूँ ये तुम्हें दे सकता हूँ अगर तुम्हारी इससे मदद हो जाए. सेइंग दिस ही केप्ट हिज स्कार्फ देयर, और ये कहते हुए अपना स्कार्फ उसने वहां रखा. स्टिर वाज कॉज्ड, द क्राउड कंट्रीब्यूटेड विद व्हाटएवर. तो ये चीज जो है बिल्कुल आम हो गई, और जो भीड़ है वो क्या करने लगा कि जो कुछ भी उसके पास था वो चीज, उसको क्राउड मीन्स भीड़, तो वो चीज जो है अमीर को लोग देने लगे. यहाँ स्टिर का मतलब है कि जो है थोड़ा सा हलचल वहां मची, ठीक है ना. और जो लोग, जो चीज भी, क्या क्या, क्लोथ, शूज, कपड़े, जूते, यूटेंसिल्स, बर्तन, पॉट्स, हांडी बर्तन, हैंकरचीफ, रुमाल, टर्बन्स, पगड़ी. एंड विद इन मिनट्स देयर वाज अ लार्ज हीप ऑफ गुड्स. कुछ ही मिनट के बाद सामान का ढेर पड़ गया. नाउ वर बिगेन टू ऑक्शन द गुड्स बट टू नो अवेल. The people in the crowd were too poor to buy anything. तो वहां पे वो क्या करने लगा कि नीलामी, ऑक्शन करने लगा, मतलब उसका ज्यादा ज्यादा वैल्यू बताने लगा. लेकिन चूंकि लोग वहां पे गरीब थे, वो इसलिए उन्होंने कुछ नहीं खरीदा, ठीक है. इन द मीन वाइल जफर द लैंडर न्यू दैट इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर नियाज टू रिपे हिज लोन. फिर उन्होंने ये सोचा कि जफर जो है, जफर कुछ ही देर में ये जफर समझ चुका था कि नियाज जो है ये पैसे, ये लोन वापिस नहीं कर सकता है. जो लेंडर है, जो उसने उस बूढ़े व्यक्ति यानी नियाज को उसने पैसा दिया था 400 अशरफी, वो 400 अशरफियों को लेने यानी सिल्वर कॉइन्स को लेने गया. सो ही वुड बी एबल टू हैव गुलजार हैज हिज वाइफ. तो ये क्या कर सकता है कि गुलजार को अपनी बीवी बना सकता है. थिंकिंग दिस ही वेंट टू बाई सम क्लोथ्स एंड ऑर्नामेंट्स फॉर हर. ये सोचते हुए कि हाँ मेरी अब शादी हो जाएगी गुलजार से, नियाज की बेटी से, जो बूढ़ा व्यक्ति है, तो इसलिए वो कुछ सामान और कुछ गहने वहां खरीदने गया. ऑन हिज वे बैक ही सॉ अ लार्ज गैदरिंग इन फ्रंट ऑफ अ टी शॉप एंड उमर बिडिंग फॉर ऑक्शन. तो अपने रास्ते में उन्हें देखा कि जो है सामान का ढेर पड़ा हुआ है और उमर जो है उसकी नीलामी कर रहा है, बेच रहा है. ही वॉज अ क्लेवर बिजनेसमैन टू. उमर जो है एक चालाक बिजनेसमैन भी था. एट अ ग्लैंस ही न्यू दैट द गुड्स फॉर ऑक्शन वर वर्थ ओवर 700 टाकास. तो उसने कहा कि
जो है एक ही नजर में जो बल्कि लेंडर है, जफर है, मनी लेंडर है, जो पैसे दिया था वो ये समझा कि ये तो 700 अशर्फियों का ये सामान है। उमर न्यू ही वाज अ पर्सन हु कुड बाय ऑल दोस गुड्स जफर। अच्छा, उमर भी ये जानता था कि वही एक बंदा है जो ये सारी चीजें खरीद सकता है। तो जफर केम नियर एंड आस्क द कॉस्ट ऑफ द हीप। तो जफर जो है नजदीक आता है सामान का और पूछता है कि आखिर ये सामान का ढेर कितने का है, कितने में ये सारी चीजें दे दोगे। तो उमर कहता है 600 टाकास। तो ये कहता है 600 शर्फिया। हे यू आर आस्किंग टू मच फॉर द रबिश। तुम तो इस कूड़े करकट के लिए, बेकार से सामान के लिए बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे हो। वुड यू लाइक टू टेक 300 टाकास जफर बार्गेन। तो जफर ने मुलाई करते हुए, बार्गेनिंग करते हुए, बार्गेनिंग मीन्स मुलाई करना, दाम कम कराना, तो बार्गेन करते हुए कहा कि उमर क्या तुम इसको 300 अशर्फियों में, 300 सिल्वर कॉइन्स में दोगे। द गुड्स वर फाइनली सोल्ड फॉर 400 टाकास। तो आखिरकार सामान जो है 400 अशर्फियों में बिक गया। जफर पेड द मनी एंड हायर लेबर टू डिलीवर द गुड्स टू हिज शॉप। तो आखिरकार जफर ने जो है वो सामान खरीदा और कुछ लेबर को हायर किया कि ताकि वो सारा सामान उसके दुकान पे पहुंचा दे। आफ्टर दैट जफर प्रोसीडेड टू हिज डेस्टिनेशन द ट्री वेयर नयाज एंड हिज डॉटर वेटेड फॉर हिम। उसके बाद जफर जो मनी लेंडर था वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता है, जहाँ जिस पेड़ के नीचे नयाज और उसकी बेटी वो वेट कर रहे होते हैं रोते हुए कि जो है वो आएगा और हम पैसे नहीं दे पाएंगे तो वो शादी कर लेगा। तो ये बात होती है। फिर उमर कॉल्ड हिम फ्रॉम बिहाइंड एंड सेड जफर सर आई टू शैल गो द वे यू हैव टू गो। तो ये कहता है उमर कि मैं भी जफर जी, मैं भी वहीं जाना चाहता हूँ जहाँ आप ले जा रहे हैं। उमर अनटाइड हिज डंकी एंड स्टार्टेड वॉकिंग विद जफर। तो आखिर उमर भी जो है अपने डंकी को अनटाई किया, खोल दिया और टहलने लगा जफर के साथ। जफर आज वेयर आर यू गोइंग। जफर ने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो। बोथ ऑफ अस आर गोइंग टू द सेम प्लेस बट द डिफरेंट पर्पसेस। तो उमर कहते हैं कि हम लोग दोनों जो है एक ही जगह जा रहे हैं लेकिन अलग अलग काम से जा रहे हैं। उमर डिक्लेयर्ड You will envy me had you know my purpose, Jaffa said. तो तुम मेरे से तो नाराज हो जाओगे, envy हो जाओगे। क्या तुम मेरा मकसद जानते हो उमर। जफर ये कहता है And had you know my purpose, you would pull all your hair out, retorted उमर। अगर तुम मेरा मकसद, मेरा पर्पस जान लो वहां जाने का, तो तुम अपने सारे बाल खींच लोगे। would pull all your hair out, retorted उमर। उमर ने ये कहा you argue too much without head or tail, I am going to have the prettiest girl of Bukhara for my wife, said जफर। तो जफर ये कहता है कि मैं जा रहा हूँ उस बहुत ही खूबसूरत लड़की से शादी करने, निकाह करने, जो बुखारा की सबसे खूबसूरत लड़की है। जफर ने ऐसा कहा। हाँ, ये एक सेंटेंस बोला कि यू आर्ग्यू टू मच विदाउट हेड, बिना कोई सर पैर का तुम बात करते हो। तो ऐसा कि मैं जा रहा हूँ अपने बुखारा की सबसे सुंदर लड़की से शादी करने। आई सी, सेड उमर एज ही वांटेड टू एंजॉय एवरी मोमेंट। तो उसने कहा हाँ मैं समझा। तो ऐसा कहते हुए उमर ने वो सारे मोमेंट्स को, सारे पल को एंजॉय करने के लिए ऐसा कहा। दे रिच द ट्री वेयर नयाज सैट विद हिज डॉटर गुलजार। तो वहां आखिरकार दोनों पहुंचे जहां नयाज बैठा हुआ था गुलजार के साथ। सीइंग जफर ही स्टूड अप ट्रेम्बलिंग विद द फियर। जफर को देखते हुए जो नयाज है यानी बूढ़ा व्यक्ति है वो कांपते हुए खड़ा हुआ बहुत डर के कारण। ऑफ हिज डॉटर बीइंग स्नैच्ड अवे, ये कहते हुए कि शायद उसकी बेटी जो है वो छिन जाएगी। गुलजार कुड नॉट बट सी अप सी डिप या लॉ सेव अस फ्रॉम हिज क्रूएल बीस्ट। तो गुलजार जो है सिर्फ ये कहते हुए आ भरते हुए ये कहा कि इस क्रूएल से हमें बचा लीजिए, इस जो है निर्दयी बिष्ट से, शैतान से हमें बचा ले। जफर सेड विद अ विग्ड रेडिएशन इन हिज आइज योर टाइम लिमिट टू रिपे इज ओवर। तो जफर जो है बहुत ही मैंने जैसे मीनिंग बताया विग्ड का के जो है बुरा रेडिएशन यानी बुरी आंखें हुए, बुरी बुरी आंखें दिखाते हुए कहा कि तुम्हारा जो है टाइम लिमिट पूरा हो चुका, ठीक है ना, अब तुम पैसे जो चुकी नहीं दिए तो मैं गुलजार से शादी करूंगा। ही स्टेप्ड फॉर द एंड पुल्ड ऑफ गुलजार्स वेल एंड एक्सक्लेम्ड
और आखिरकार उसने अपनी बदतमीजी भी दिखाई कि जो है वो आगे बढ़ा और गुलजार का जो वेल है, नकाब है, जिससे उसने अपना सर मुंह ढका था, उसको निकालते हुए कहा कि हाउ प्रेटी, कितनी खूबसूरत, यू आर प्रेटियर देन आई कुड एवर इमेजिन, तो मैं जितना सोच सकता था उससे भी खूबसूरत हो, एंड द हैप्पीएस्ट थिंग इज दैट यू विल बी माई वाइफ, और ये सबसे अच्छी बात यह है कि तुम मेरी क्या बन जाओगी, अभी बीवी बन जाओगी, ठीक है ना, वाइफ टुडे। देन ही टर्न टू मा एंड सेड, वाज आई रॉन्ग टू स्टेट दैट यू वुड एनवी मी, क्या मैं ये नहीं कह सकता था उमर कि तुम मेरे से इन चीजों के लिए तुम नाराज हो जाओगे, एनवी हो जाओगे, दुश्मन बन जाओगे। आई अग्री उमर शोड पेशेंस, हैव यू द रिसिप्ट ऑफ द लोन, मैं तो सहमत कर रहा हूँ कि चलो तुमने ये लोन दिया या फिर ये सारी चीजें तुम कर रहे हो इससे मैं सहमत हूँ, लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई रसीद है लोन का? यस यस हियर इट इज, जफर हैंडेड हिम ओवर द रिसिप्ट एंड सेड, यू कैन सी द डेट ऑफ द लोन, ड्यूरेशन एंड टाइम टू रिपे, तुम यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने इसको लोन दिया, ये तारीख भी है, ये समय भी दिया, ड्यूरेशन भी दिया गया, और ये वापस करने का भी समय दिया गया है, और इसका थंब इम्प्रेशन यानी अंगूठे का निशान, तो द रिसिप्ट इज ओके, हेयर इज योर अमाउंट 400 टाकाज, तो देखो ये रिसिप्ट तो ठीक है, लो ये अपने 400 शर्फे ले लो, टाकाज ले लो, सिल्वर कॉइंस ले लो, इट इज द सेम बैग ऑफ मनी यू गेव मी अ लिटिल अर्लियर, ये वही पैसा है जो तुमने अभी मेरे से थोड़ी देर पहले दिया, यू कैन काउंट इफ यू वांट, और तुम गिन भी सकते हो अगर तुम चाहो, उमर सेड कामली गिविंग हिम द स्मॉल बैग ऑफ मनी, तो वो छोटा सा बैग पैसे का देते हुए ये सारी बातें उसने बहुत ही शांति तरीके से कहा। ही कुड क्लियरली सी जफर्स ब्राइट आईज बिकमिंग लस्ट्रस, यानी अब जो है उसके आंखों की चमक बिल्कुल क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी, किसकी, जफर की चमकीली आंखों की चमक बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। सून आफ्टर उमर टोर द रिसिप्ट टू पीसेस, फिर जो है उमर ने उस रिसिप्ट के टुकड़े टुकड़े कर दिए जिसमें लोन के बारे में जिक्र था। नियाज एंड गुलजार जंप इन, जो है नियाज जो बूढ़ा व्यक्ति और गुलजार जो उसकी बेटी, वो खुशी के मारे उछल गए। एज डिसअपॉइंटेड जफर वॉक्ड अवे, और जैसे कि निराश जफर जो है वो फिर जो है पैसे लेके चला। उमर डिस्क्लोज्ड हिज आइडेंटिटी टू नियाज एंड गुलजार, और उमर ने आखिरकार अपनी आइडेंटिटी जो है गुलजार और नियाज को बताया, एंड प्रॉमिस टू कम टू दियर हाउस लेटर, और कहा कि मैं बाद में आपके घर पे आऊंगा। नाउ स्टूडेंट्स यू हैव द वर्क, राइट द वर्ड मीनिंग्स, दैट इज वेरी टिपिकल, मैंने कुछ लिखवाया भी था, अगर आपको वर्ड की प्रॉब्लम है तो आप वर्ड्स लिख के मेरे व्हाट्सएप पे आप सेंड करें, सो दैट कि मैं उसका मीनिंग अगर आपको नहीं आता है तो बता सकूं, और फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में ये भी आप कर सकते हैं, ये वाला करके दिखाएं। ही वांट्स माय यंग डॉटर एज वाइफ, किसने कहा आखिर कि वो मेरी बेटी से शादी करना चाहता है, कौन कहा, तो अपने मेरी मेरी बेटी को अपनी पत्नी बना, ये बात कौन कहा, तो नयाज कहा या गुलजार कहीं, उसने कहा, तो ये इसको लिखना है। आई नीड 400 टाकास टू हेल्प अ वेरी, ये किसने कहा, तो ये कहानी में ये लाइन किसने कहा, ये वाला नोट करके ये जल्द से जल्द कंप्लीट करके आप मुझे दिखाएं। बहुत ही अच्छा आपने पढ़ा सुना, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आपके क्लासेस की वीडियो हमेशा मिलती रहे। थैंक यू।